नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मैं मेरे चैनल एप्स कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम अंतरा पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना है सांझ के बाद, वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे कवि हैं उनका एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक परिचय हम देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तरांचल के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। सन 1919 में गांधी जी के एक भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने बिना परीक्षा दिए ही अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। पंत जी ने बचपन से ही काव्य रचना शुरू कर दी थी, लेकिन उनका वास्तविक कवि कर्म बाद में प्रारंभ हुआ। उनका काव्य संग्रह पल्लव और उसकी भूमिका हिंदी कविता में युगांतकारी महत्व रखते हैं। उन्होंने सन 1938 में रूपांक नामक पत्रिका निकाली, जिसकी प्रगतिशील साहित्य चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंत जी प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी कवियों में वे सबसे अधिक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में चर्चित रहे हैं। उनकी कविताओं में पल पर परिवर्तित होने वाली प्रकृति के गत्यात्मक मूर्त और सजीव चित्र मिलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही पंत मानव सौंदर्य के भी कुशल चित्र रहे हैं। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्यानुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं हम पंत जी के बारे में। पंत का संपूर्ण साहित्य आधुनिक चेतना का वाहक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को अभिव्यंजना की नई पद्धति और काव्य भाषा को नवीन दृष्टि से समृद्ध किया है। पंत की कविता में भाषा और संवेदना के सूक्ष्म और अंतरंग संबंधों की पहचान है, जिससे हिंदी काव्य भाषा में नए सौंदर्य बोध का विकास हुआ है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की काव्य भाषा की व्यंजना शक्ति का विकास किया और उसे भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक सक्षम बनाया। इसलिए उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए थे, जिनमें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रमुख हैं। पंत जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा आदि। पंत जी ने छोटी कविताओं और गीतों के साथ परिवर्तन जैसी लंबी कविता और रुकायता नामक महाकाव्य की रचना भी की है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद उनके ग्राम्य संकलन से ली गई है। ग्राम्य का मूल स्वर ग्रामीण जनजीवन के विविध सामाजिक थार से जुड़ता है। इस कविता में ढलती हुई सांझ के समय गाँव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का सुंदर चित्रण हुआ है। विद्याएं विधवाएं, खेत से ले घर लौटते किसान और पशु पक्षियों का चित्रण उल्लेखनीय है। तो ये तो हुआ हमारा जो लेखक उनका एक परिचय, छोटा सा परिचय। अब हम देख लेते हैं जो हमारी कविता है संध्या के बाद, वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कविता पढ़ेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन और उसके प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपनी कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारी कविता संध्या के बाद की जो कवि के जो प्रथम पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, सिमटा पंख सांझ के लाल जा बैठी और तुर शिखर पर। इन पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं पंत जी, उन्होंने सांझ की जो लाली है, यानी कि लालिमा लिया हुआ जो आकाश है, और संध्या की जो लालिमा लिए हुए जो सांझ है यानी संध्या है, उसकी उसको उन्होंने एक पक्षी के रूप में माना है। और कहता है कि शाम के समय जो शाम की लाली है यानी संध्या के समय जो सांझ की लाली है, वो एक उसे पक्षी मानते हुए कहते हैं कि जो वृक्षों का सबसे ऊंचा शिखर वहाँ पर मानो जा बैठे। उसके बाद कहते हैं कि ताम्रपर्ण पीपल से शिखर झरते चंचल स्वर्णिम नीचे, और जो पीपल के पत्ते हैं वो संध्या की लालिमा के कारण तांबे से प्रतीत होते हैं, और वो जब झड़ते हैं तो वो मानो इस प्रकार से लगते हैं कि बहुत सारे सुनहरे झरने एक साथ चंचलता लिए हुए बह रहे। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है कि ज्योति स्तंभ सा सूर्य क्षितिज पर होता औछल। और आगे की पंक्तियों में हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो सूर्य है उसकी रोशनी एक प्रकाश स्तंभ की तरह होकर नदी में धंसती हुई प्रतीत होती है, और धीरे धीरे जो आकाश है उसमें जो सूर्य है वो उछल होता हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद बृहद जी विश्लत की जो सरलता चित्त का भाव गंगा जी, और गंगा जल की जो तुलना हुई उससे चित्त कर रहे विशाल काय अजगर से की है, जो कि थक हार कर अपने कीचू को वो छोड़ देता है। तो उस विश्लत की तरह यानी कि एक अजगर की तरह चित्त कर रहे गंगा जल जो है वो प्रतीत होता है। उसके बाद आगे है धूप छांकी रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, और जो नदी के किनारे की जो रेत है यानी कि जो बालू है वो धूप छांकी रंग की हो गई है,
हवा के कारण जो ये जो रेत है वो कुछ सब सांप सर्प के यानी कि सांप के आकार के दिखाई पड़ती थी। फिर अगली पंक्ति है नील लहरियों में लोहे पीला जल रजत जलद की बिंदु। और आगे जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि नीले नीले लहरों में जो पीला जल है वो काफ़ी मंथन के कारण वो चांदी के रूप जो है कि जैसा दिखाई पड़ती थी यानी कि चांदी की तरह दिखाई पड़ती थी यह दिखता है। आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पास में भव्य समझो। कहते हैं आगे की पंक्ति जो हमारे कवि हैं वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि मानो रेत जल और वायु सदा सही स्नेह रूप पास में एक साथ बंधे हुए हैं। आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से कि अनिल पिघलकर सलिल सलिल जो गति द्रव को बन गया लगा था। आगे की पंक्ति अंकित इस कविता किस वाक्य की अंकित पंक्ति में जो कवि हैं वो कहते हैं कि मानो यूं लगता है जैसे हवा पिघलकर पानी और पानी अपने द्रव उसके जो गुण है उसे खोकर वो ओले के रूप में दिखाई प्रतीत होती है यानी कि ओले के रूप में बन गया है। तो इन पंक्तियों की जो विशेष स्थिति वो देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने संध्या की तुलना पक्षी से की है। तो चलिए अगले स्लाइड में कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। कविता के इस भाग में पंत जी कहते हैं कि शंख घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन दीप शिखा सा ज्वलित कलश नभ में उठता करता नीराजन। इन पंक्तियों की में जो हमारे लेखक हैं वो कहते हैं कि जब शाम के समय में यानी कि संध्या वेला में जब मंदिरों में शंख और घंटियां बजती हैं तो मानो उसी धूम में उसी प्रकार जैसे 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 शंख और घंटियां बजती हैं मंदिरों में उसी प्रकार से लगता है मानो नदी की लहरों में भी वैसा ही कंपन होता है। और उसके बाद की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो मंदिर है उसके ऊपर जो कलश बना हुआ है वो भी मानो जो संध्या की जो लालिमा है शाम के समय की उसकी लालिमा के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी दिए की लौ की भांति वो भी आकाश में उठता हुआ प्रतीत होता है मानो वो भी आकाश में उठकर आकाश के एक तरह से क्या कह सकते हैं कि उनकी पूजा करता हुआ प्रतीत होता है उसे दिखाई देता है। आगे की पंक्ति में जो कवि हैं वो कहते हैं कि तट पर बगलों से विधवाएं जब ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। आगे की पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो नदी के तट पर जो विधवा वृद्ध विधवाएं हैं विधवा स्त्रियां हैं वो जप और ध्यान में मगन उस बगुले की भांति दिखाई देती हैं जो एकाग्रचित होकर अपने काम पर एक तरह से बोल सकते हैं कि ध्यान लगाया रहता है उसी तरह से वो भी दिखाई पड़ती हैं। और जिनके उनका जो हृदय है वो हृदय की जो रुदन है यानी कि जो उनके हृदय की पीड़ा है जो कि सब लोगों से अदृश्य हो कि मानो प्रतीत होता है कि जो नदी के शांत जल में बहता हुआ प्रतीत होता है। आगे की पंक्तियों में कवि इस प्रकार से कहते हैं कि दूर तमस रेखाओं से उठी पंखों की गति सी चित्रित सोम खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शाम के समय जब अंधेरा होने लगता है तो जो सारे पक्षी हैं वो जब आकाश में उड़ते हैं तो उनके पंखों की पंख जो है वो मानो किसी अंधेरे में एक अंधेरी काली रेखाओं की भांति प्रतीत होती हैं उस अंधेरी रात में शाम के समय में। और उसके बाद ही कहते हैं कि जो सोन चिड़िया हैं वो उनकी जो एक पंक्ति बनाकर वो जब उड़ती हुई चलती हैं और या उड़ती हुई आकाश में जब उड़ती हैं तो उनकी जो ध्वनि है जो चहचहाट हट की जो ध्वनि है वो एक तरह से जो शांत आकाश है उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि स्वर्ण चूर्ण से उड़ती गोरज किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। आगे की पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि जो गाय हैं जो वापस आ रही हैं चरने के बाद अपने अपने घरों में उनके पैरों के धूले के कारण उनके पैरों के कारण जो धूल यानी जो मिट्टी है वो एक सोने के चूर्ण के रूप में दिखाई पड़ता है और मानो वो लगता है जैसे कि वो सोने के रूप में परिवर्तित हो गई है सूर्य की जो किरणें हैं उनसे उनमें जलकर वो एक स्वर्ण चूर्ण की भांति प्रतीत होती हैं। और आकाश में भी जो पक्षी उड़ रहे हैं उनके भी उनके कंठ यानी कि उनकी ध्वनि जो चहचहाट की आवाज़ है साथ ही उनके पंखों की जो ध्वनि वो मानो संसंकेत आवाज़ के साथ यानी बादल को में तीर की भांति जाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसकी कुछ विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों के विशेष तथ्य ये है कि इसमें जैसे उपमा यानी कि उपमा तथा अलंकार अलंकार का प्रयोग किया गया जैसे कि
उपमा अलंकार में किस किस का प्रयोग है, तो किन किन पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग है, तो वो हम देख लेते हैं। तो वो कुछ है इस प्रकार से, वह दीप सी खासा, फिर बगुलों सी, और उसके बाद स्वर्ण चून सी, इत्यादि ये उपमा अलंकार है। और आगे के जो स्लाइड है उसमें हम कुछ और जो कविता का भाग है वो हम पढ़ेंगे। आगे का जो की पंक्तियां यानी कि कविता का ये भाग है वो कुछ इस प्रकार से है। लौटे खग गाय घर लौटी, लौटे कृषक शांत सुलत डगर धर, छिपे गृहों में लान चराचर जा, छाया भी हो गई अगोचर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि संध्या वेला में सभी गाय पक्षी सभी अपने अपने घर लौट रहे हैं। इतना ही नहीं, जो कृषक यानी किसान है वो भी श्रम करके थक हार कर थक श्रम से अपने थक कर अपने जो रास्ते हैं उस पर रास्ते पकड़ कर वो वापस आ रहे हैं। और उसके साथ ही साथ जो जितने भी चराचर यानी कि जितने भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो सारे लोग जितने भी हैं जो कि सुबह अपने घर से निकलते, सारे के सारे लोग अपने घर में मानो छिपे हुए दिखाई प्रतीत होते हैं। और ऐसी स्थिति हो गई है, जान पड़ती है मानो कि एक छाया तक भी किसी की दिखाई नहीं दे रही है। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, लॉर्ड पैंट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊँटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हो कवर। उसके बाद साथ ही साथ कवि यहाँ पर व्यापारियों की बात भी करते हैं यानी बनियों की बात भी करते हैं कि वो भी अपने काम से यानी अपनी गद्दी से वापस अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो वो कैसे जा रहे हैं, तो वापस जा रहे हैं नाव पर बैठकर, और उस नाव उन लोगों के साथ ऊँट घोड़े ये सब भी बैठे हुए हैं। लेकिन उनके जो जो उनके जो बोरे हैं वो खाली बोरे हैं साथ में, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो जूट के बने हुए और वो एक सामान रखने के लिए जो होता है बोरा कहते हैं, यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। और उनके जो बोरे हैं वो खाली हैं और वो हुक्का भर के यानी हुक्का पीते हुए वो नाव पर सवार हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि जाड़ों की सुनी द्वाभा में झूल रही, निशी छाया गहरी डूब रहे निष्पक विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। आगे की पंक्तियों में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि ठंड की जो जाड़े की जो शाम है और वो शाम भी है जो एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ठंडी होती है, और तो इस उसके बारे में कवि कह रहे हैं कि जो जाड़े की शाम है वो भी काफ़ी कपकपाने वाली है। उसके बारे में कवि कहते हैं कि जाड़े की सूनी शाम में और रात में भी मानो चारों तरफ एक चारों तरफ जो रात है काफ़ी गहरी और विषाद भरी हुई फैली हुई विषाद भरी हुई दिखाई देती है, और खेत बगीचे घर उसके साथ ही साथ वृक्ष और तट यानी कि नदी के जो तट हैं उनकी लहरें हैं वो सारे के सारे मानो किसी विषाद में चले गए हैं, विषाद में डूब गए हैं, एक दुख में डूब गए हैं वैसे प्रतीत होते हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि और बिरहा गाते गाड़ी वाले भूक भूक कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते सिया देते विषण निशी बेला कुसर। उसके साथ ही साथ कहते हैं कि जो गाड़ी वाले यानी गाड़ीवान हैं जो बैल गाड़ी होते हैं उन्हें हाँकने वाले जो होते हैं वो बीच बीच में गीत गाते चलते हैं और वो बिरह गाते हुए चलते हैं। साथ ही साथ जो कुत्ते हैं वो भौंक कर और सिया हुआ हुआ कर मानो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि विषण निशी बेला यानी कि जो कि एक कह सकते हैं कि जो एक दुखी सा एक और एक शांत सा जो जो रात है उसको एक तरह से वो स्वर प्रदान कर रहे हैं। तो इसकी जो विशेषता थे वो हम देख लेते हैं कि इन ये कविता के इस भाग में जगह जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और वो कहाँ कहाँ पर वो देख लेते हैं, तो वो है मुख मुख तथा हुआ हुआ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए कविता का आगे का भाग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। कविता के इस भाग में हमारे जो कवि हैं वो कहते हैं, माली की मड़ई से उठ नव के नीचे नफसी धो माली, मंद पवन में पीती नीली रेशम की से हल्की जारी। बुरा की जो माली है यानी कि आगे की पंक्ति में जो कवि हैं वो कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि माली के कच्चे घर से जो धुआं उठता है वो धुआं भी मानो एक प्रकार से आकाश के नीचे एक धूमिल सा आकाश प्रतीत होता है, और जिसके कारण की और जो हवा है बहुत धीमी गति से बह रही है और वो नीले रंग की एक हल्की सी जाली प्रतीत होती है, वो दिखाई देती है। आगे की पंक्ति इस प्रकार से, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा महीन की इंद रही लंबी अधियारी। और दुकानों में जो बनिए हैं वो बैठे हुए हैं और उनकी जो बत्ती है धीमी
से बत्ती जला के सारे कस्बे के जो व्यापारी हैं वो बैठे हुए हैं, और बत्ती की धीमी रोशनी में वो सारे के सारे बैठे हुए हैं। लेकिन उस ठंडे रात में के कारण वो वहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि मानो वैसा प्रतीत हो रहा है जैसे बर्फीले रात में मातम का मातम सा प्रतीत हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं, अब जो हमारे लेखक हैं वो अब एक ग्रामीण जीवन के बारे में बात करते हुए किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो बनिया है व्यापारी उनकी स्थिति कैसे है उसको वो बखान कर रहे हैं, उसके बारे में वो बता रहे हैं कविता के इस भाग में। उसके बाद आगे की पंक्तियों में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कवि कि धुआं अधिक देती है टीन की ढिबरी काम करती कम करती उजियाला, मन से कड़ अवसाद शांति आंखों के आगे बनती बनती जाला। इन पंक्तियों को भी कहते हैं कि जो टीन की ढिबरी है जो कि जल रही है और वो ऐसे है कि वो उजाला कम करती है यानी रोशनी कम करती है और धुआं ज़्यादा देती है, जिसके कारण कि जो बनिया है उसके मन का जो दुख है उसके मन में जो पीड़ा है वो और भी ज़्यादा उसके सामने एक कह सकते हैं उसकी आंखों के सामने एक उजाले उजाला बूंदी सी प्रतीत होती है। आगे ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोके सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने, कह रहे कि बस्ती यानी कि जो गांव है एक छोटा सा गांव है जिसके कारण कि जो उनके जो लेन देन का जो एक कह सकते हैं कि जो काम होता है बनिया की दुकान पर वो काम ऐसा होता है जिसमें ज़्यादातर समय में उसे एक तरह से कह सकते हैं कि उसे हानि उठानी पड़ती है, लेकिन जो सपने वो देखता है वो है एक बड़ा व्यापारी बने को उसके सारे वो सपने बेकार हो जाते हैं। और इसी के साथ कवि कहते हैं कि जो दिया है उसके उसके जो सुख दुख है वो उस दिए के इर्द गिर्द भी चारों तरफ मंडराते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं कि कविता के इस भाग में कई जगहों पर उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलती है और वो कौन कौन से पंक्तियाँ हैं या फिर कौन कौन से शब्द हैं जिसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया है तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें नभ सी धूमाली रेशम की सी हल्की जाली इन सब में आपको उपमा अलंकार मिलता है। तो चलिए कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। कविता के अगला भाग कुछ इस प्रकार से कंप कंप उठते लौके संकातर और क्रंदन मुख निराशा छिन्न ज्योति ने चुपके जो गोपन नाम को दे दी हो भाषा, कहते हैं कि कांपते हुए जो दिए की लौ है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है मानो जैसे वो दुखी हृदय जो जो एक दुखी हृदय है जो निराश है यानी कि उसके मन का जो क्रंदन है यानी कि जो उसके हृदय का जो रोना है वो माने उसको उसने एक भाषा दे दी है और वो उसकी जो छीन होती हुई जो ज्योति है वो उस बनने के मन के की जो कह सकते हैं उसके मन की जो निराशा है उसके मन हृदय का जो क्रंदन है रोना है वो उसको एक तरह से चुपचाप एक गुपचुप तरीके से उसे एक वो भाषा प्रदान कर रही है। आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है कि लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गए लाला अपने सुदीप दूर गया सब ब्याज में था, कहता है कि थोड़ी देर में रात जब हो जाती है तो सारी बस्ती जो है वो सारे के सारे अपने अपने काम में लीन हो गए हैं और जो मिट्टी और खपड़े के बने हुए जितने भी घर आंगन है वो सब मानो कि अंधकार में एक तरह से एक कह सकते हैं कि जो रात्रि के अंधकार है उसमें सारे के सारे वो लीन हो गए हैं और व्यापारी भी जो है अपनी सारे अपनी जो सुदबुद है वो भी भूल गए हैं और इसके साथ ही साथ जितना भी ब्याज मूलधन वो सब कुछ मानो भूल से गए हैं। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही है तुच्छतर इस नीरव और प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर का जग बहर, कह रहा कि परचून की जो किराने की दुकान है उसमें भी उसका जो जो बनी की जो दुकान है वो भी मानो उसके एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी एक तरह से व्याकुल दिख रहा है और इसी कारण बनिया अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा है क्योंकि जो परफ्यूम की किराने में जो किराने की ढेरी बहुत ही कम है यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में है और जिसके कारण कि इस स्थिति में जो जो बनिया है उसका भी उसके भी अंतर्मन और बाहर में एक तरह से कह सकते हैं कि एक व्याकुलता है वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे आगे की सारी चीज़ें होंगी कैसे वो एक तरह से कह सकते हैं अपनी स्थिति से कैसे वो उभरेगा इस चीज़ को वो नहीं समझ पा रहा है। आगे जो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से कि अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्ता कंजाग उठा उसने माना और असफल जीवन का उत्पीड़न,
आगे की जो पंक्ति है उसमें जो कवि है वो कहते हैं कि जो जो बनिया है उसके उसे अपनी छोटी हस्ती का अपना जो सस्तापन है उसे मानो उसे अनुभव हो रहा है इस बात का, और उसमें जो मानव का और वो मानव होने के कारण उसमें जो भी उसके जीवन का जो भी असफल उसका जो जीवन उसकी जो पीड़ा है उसमें वो मानव रह रहकर उसे वो प्रतीत होता है कि वो अपने जीवन में कितना असफल है, और वो उसके खुद का जो अस्तित्व है उसे उसका सस्तापन मानव उसे प्रतीत होता है उसे, और उसका कह सकते हैं कि उसका भान होता है उसे महसूस होता है कि उसकी हस्ती कितनी छोटी है। तो आगे की ये जो पंक्तियाँ हम उसके जो विशेष तथ्य वो हम देख लेते हैं कि इसमें कई जगहों पर उपमा अलंकार की छटा देखने को मिलती है। तो उपमा अलंकार कौन कौन सी है तो उसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें है जो सकुची सी में जैसे कि देख सकते हैं हम, और माफ कीजिएगा, तो इसमें जैसे विशेष तथ्य मैंने आपको जैसे बता दिया, तो इसमें उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार कौन सी जैसे कि सकुची सी में मैं देख तो आपको बता सकती हूँ कि ये उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो पहली पंक्ति है कंप कंप उसमें भी हम लोग को एक और अलंकार देखने को मिलता है, और वो एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो चलिए फिर कविता के आगे भाग पढ़ते हैं। तो कविता का आगे का भाग है कुछ इस प्रकार से, दैन्य दुख अपमान ग्लानि की छुटी पिपासा मृत अभिलाषा बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। आगे की पंक्ति में जो कवि है वो कहते हैं कि उसकी जो अवस्था है यानी बनी की जो अवस्था है वो बहुत दुख और अपमान और ग्लानि से भरी हुई है, साथ ही काफी लंबे समय से भूख और प्यास करने प्यास को झेलने के कारण उसकी जितनी भी अभिलाषा है वो सारी की सारी मानो मर गई है, और बिना किसी आय के उसके जो जीवन की परिभाषा है वो मानो बहुत ही पीड़ादायक यानी क्लांति पूर्ण हो गई है। तो चलिए आगे की पंक्ति हम देखते हैं कि जड़ अनाज के ढेर सदृश की वह दिन भर बैठा गद्दी पर बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मग्न। उसके बाद कहते हैं कि वह दिन भर गद्दी पर बैठा रहता है छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोलता है, और थोड़े से पैसों की स्पर्धा में थोड़े थोड़े से पैसे कमाने के लिए वो स्पर्धा में यानी कि प्रतियोगिता एक दूसरे बनियों के साथ अपनी एक तरह से कह सकते हैं प्रतियोगिता करने में उससे वो हमेशा उसी की कोशिश में लगा रहता है थोड़े थोड़े से पैसों के लिए। फिर आगे का प्रश्न आगे कुछ एक तरह से कह सकते हैं कि जो कवि हैं वो एक प्रश्न के रूप में प्रश्न करते हैं कि फिर भी क्या कुटुंब बनता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है जुटता है धन। फिर कहता है कि इतना सब करने के बाद भी क्या उसका जो जो उसका घर है वो अच्छी तरह से पल रहा है, क्या उसके घर के लोग उसके परिवार के लोग अच्छे घर में अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं सही तरीके से रह पा रहे हैं, क्या वो अपने लिए एक पक्का घर बना पा रहा है, क्या मन उसके सुख है या फिर वो धन जुटा पा रहा है नहीं, तो उसके बारे में आगे क्या बोलते हैं कभी वो भी हम देख लेते हैं कि खिसक गए कंधों से कपड़े ठिठुर रहा अब सर्दी से तन सोच रहा बस्ती का बनिया वो विवशता का निज कारण। कह रहा है कि जो उसके कंधे की जो पथड़ी है वो भी फट गई है, कंधे से फिसल कर फट कर फिसल गई है, और सर्दी के ठंड में वो ठिठुर रहा है, और अब जो वो बस्ती का बनिया है यानी कि छोटे से गांव का जो बनिया है वो अपनी जो उसकी विवशता है उसका कारण वो समझ पा रहा है। तो चलिए इसकी विशेष तथ्य देख लेते हैं कि इसमें ये जो कविता है इस भाग में जगह जगह पर कई जगहों पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग है, जैसे कि हम लोगों ने देखा जैसे कि फिर भी क्या कुटुंब बनता है, उसके बाद रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन बना पा, ये सारी जो है ये सारे प्रश्न अलंकार का इसमें जो हमारे कवि उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो चलिए कविता का अगला भाग पढ़ते हैं। तो कविता का अगला भाग है वो कुछ इस प्रकार से है कि शहरी बनियों सा वह क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसके जीवन उन्नति के सब साधन। फिर आगे वो सोचता है कि वो भी शहरी बनियों की तरह क्यों नहीं हो जाता, यानी कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि एक कह सकते प्रतिस्पर्धा के कारण वो सोच रहा और अपनी स्थिति को देखते हुए सोच रहा है कि क्यों वह भी नहीं शहरी बनियों की तरह बन जाता है, एक महाजन बन जाती है, किसने उसे रोक दिया है, क्या क्या उसके या फिर उसके जीवन में उन्नति की जो साधन है उसे किसने रोक दिया है। उसके बाद आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार से, यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जबकि कुछ हो परिवर्तन कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। तो क्या वो आगे वो सोचता है कि क्या ये संभव नहीं है कि जबकि संसार की व्यवस्था में ही कुछ परिवर्तन हो जाए और जिसके कारण कि जो कर्म और गुण के आधार पर ही लोगों के आय व्यय का वितरण हो।
आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं कि घुसे घरानों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सबने सामने रखी हो। सब अपने अपने मिट्टी के घरों में, यानी कि घरों में घुसे हुए उसमें घरों में रहते हुए, यानी कि रात हो गई तो सभी घुसे पड़े अपने घरों में, तो वो अपने अपने घरों में घुसे हुए ये सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें जो कि क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो कि सभी लोगों में एक सामूहिक जीवन होते, यानी कि सभी लोगों को एक सामूहिक जीवन प्रदान करते। तो चलिए आगे के पंक्तियाँ देखते हैं कि मिलकर जन निर्माण करे, जब मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, वो समाज अधिकारी होगा। कह रहे कि सारे लोग मिलकर इस संसार का निर्माण करें और इसके साथ ही साथ सारे लोग जीवन की जितने भी भोग की वस्तुएं सबको आपस में मिलकर भोग करें और कोई भी पीड़ित नहीं हो, कोई भी शासक और कोई भी शोषित नहीं हो। और यानी कि कहते हैं कि जो संसार है वो संसार के जो लोग वो किसी भी प्रकार के शोषण से मुक्त हो और समाज के हर एक प्राणी जो है वो धन का अधिकारी बने, यानी कि कोई भी निर्धन नहीं रहे। चलिए इन पंक्तियों की विशेषता को देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में भी कई जगहों पर प्रशालन का प्रयोग है, जैसे कि जीवन उन्नति के सब साधन उसके पहले आप ये देख सकते हैं, क्यों बन जाता नहीं महाजन उसके साथ ही व्यवस्था में जग की कुछ होकर, मतलब इस तरह की कुछ और पंक्तियां हैं जो जिन प्रश्न अलंकार का कभी भी प्रयोग किया है। तो चलिए कविता के अगले भाग में देख, कविता का अगला जो भाग है वो कुछ इस प्रकार से, दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जन्म के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसंतन, पशु पर फिर मानव की हो जय। कह रहे हैं कि दरिद्रता के कारण ही कई तरह के पाप जन्म लेते हैं, यानी कि दरिद्रता ही पापों की जननी है जिसके कारण लोगों के जो पाप ताप जो डर है वो सारे के सारे वो खत्म हो गए हैं लोगों में और सब इसी बस इच्छा में रहते हैं कि सबके जो शरीर है तन है और उसके साथ जो वस्त्र है वो सब सुंदर हो जाए। इस तरह अगर हो जाए वाकई में तो उसके बाद जो पशु है उसके ऊपर मानव की विजय हो जाएगी। आगे की पंक्तियाँ उस कुछ इस प्रकार से कि व्यक्ति नहीं जबकि परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश के, जन का श्रम जन भी भट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। आगे की पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि इसके लिए केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा जग दोषी और लोगों के दोष के लिए किसी और को, लोगों के कष्टों के लिए किसी और को दोषी ठहराना ये कहीं से भी सही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सभी की मेहनत का जो फल वो सभी लोगों में बढ़ जाए, देश की सारी प्रजा सुखी हो जाए, तभी इस तरह से ये कवि एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक सपना देख रखा है बनिए के, एक कह सकते हैं कि हमारे समाज में एक बनिए के रूप में कह सकते हैं कि वो एक सपना देखने की बात कह रहे हैं। आगे जो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से, आई जब बुढ़िया बेचारी, आग पाव आटा लेने लो लाला ने, फिर डंडी मारी चीख उठा घुघू डालो में लोगों ने। उसके बाद कहता है कि इतनी ही देर में थोड़ी देर में जो बनिया है उसके लिए उसका जो सपना है वो टूट गया और थोड़ी देर में एक बुढ़िया आधा पाव आटा लेने के लिए आई तो उसी वक्त जो लाला है उसने फिर वो जितनी बातें उसको कहते वो सारी बातें भूल कर उसने वापस से फिर बेईमानी शुरू कर दी, यानी कि उसने तराजू में डंडी मारी जिसके कारण की, और उधर बाहर क्या हुआ, बाहर जो डालों पर जो उल्लू बैठे हुए वो मानो चीखने लगे एक साथ वो सब आवाज़ करने लगे, और उसके साथ ही साथ सभी बनियों ने सभी लोगों ने अपने अपने द्वार जो है बंद कर दिए और धीरे धीरे रात्रि के अंधकार में जो बस्ती वो मानो निकली, रात्रि के अंधकार जो बस्ती को मानो निकली जा रही है, और इसके साथ ही साथ लोगों को जो आलस रूपी जो अजगर है वो भी उसकी जीवा है यानी कि उसकी जीव वो भी मानव से निकलती जा रही है। इसी कुछ विशेषता थे वो हम देख लेते हैं कि इसमें कई जगहों पर प्रश्न और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो प्रश्न अलंकार जैसे कि पशु पर फिर मानव की हो जाए इत्यादि हुए, ये प्रश्न अलंकार है। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे पाप ताप ये इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हुआ जो हमारी कविता है वो, और उसके उसका अर्थ मैंने बताया। अब चलिए आगे के स्लाइड में हम जो हमारा कविता है उसके बारे में हम उसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम करेंगे। तो चलिए फिर अगले स्लाइड में देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। संध्या के समय प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सूर्य अस्त होने से सूर्य की जो लालिमा है वो पेड़ों के सबसे ऊंचे शिखर को छूती हुई मालूम पड़ती है। पीपल के पत्ते तांबे की तरह प्रतीत होते हैं और जो
और जब ये झरते हैं तो मानो इस तरह से लगता है जैसे कि 100 मुखों वाला झरना चंचलता के साथ बह रहा है। सूर्य का प्रकाश नदी में किसी प्रकाश स्तंभ की तरह प्रतीत होता है। गंगा जल किसी चितकबरे स्थान के किंतु के समान प्रतीत होती है। नीले लहरों में मथित जल चांदी के समान प्रतीत होता है। हवा पिघल का मानो पानी और पानी अपना द्रव रूपी बूंद होकर ओले के रूप में परिवर्तित हो गया है। दूसरा प्रश्न हमारा कि पंत जी ने नदी के तट का जो वर्णन किया उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो नदी के तट का वर्णन करते हुए जो पंत जी हैं वो कहते हैं कि नदी तट की रेत धूप छांव के रंग से प्रतीत होती है। हवा के कारण ये रेत किसी रेंगते हुए सांप से मालूम पड़ते हैं। नदी के किनारे जब ध्यान मिली वृद्ध विधवा स्त्रियां बगुलों की भांति प्रतीत होती है। तो चलिए आगे कुछ और प्रश्न वो हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि शाम होते ही कौन कौन घर की ओर लौट पड़ते हैं। तो शाम होते ही पक्षी गाय थके हुए किसान सभी व्यापारी भी नाव पर सवार होकर अपने घर लौट पड़ते हैं। तो चौथा प्रश्न हमारा कि संध्या के दृश्य में किसने अपने स्वर भर दिए। तो बहते हुए झरने नदी की लहर चिड़ियों ने शंख मंदिर की घंटी इत्यादि ने संध्या के दृश्य में अपने स्वर भर दिए हैं। पांचवा प्रश्न हमारा कि बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा उपयोग किया गया है। मिट्टी से बनी और खपड़ों से छाए हुई झोपड़ी टीम की डिब्बी जो उजाला कम और धुआं ज्यादा करती है। लाला के फटे हुए कथे कुत्तों के भौंकने और सियार के हुआ हुआ की आवाज इन सब के जरिए बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को उपयुक्त किया गया है। तो देखते हैं कि और क्या प्रश्न है। छठा प्रश्न हमारा कि लाला के मन में उठने वाले दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। तो लाला का मन छोटी हस्ती के सस्तेपन को महसूस करता है। उसे उसके असफल जीवन की पीड़ा भी सताती है। उसकी दीन अवस्था दुख अपमान ग्लानि लंबे समय तक चलने वाले भूख इन सब ने उसकी जो सभी इच्छाओं को मार दिया। बिना किसी आय के उसके जीवन की परिभाषा अत्यंत दुखदायी है। वह निर्जीव अनाजों की ढेर की तरह दिन भर गद्दी पर बैठा रहता है। बात बात पर छूट होता है। वह सोचता है वह भी शहरी बनी की तरह महाजन क्यों नहीं बन पाता है। फिर वह सोचता है किसने उसके जीवन के साधन को रोक दिया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि लाला के मन में जो दुविधा उत्पन्न करती है। फिर सातवां प्रश्न है कि सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह अभिव्यक्त हुई है। तो सामाजिक समानता की छवि की कल्पना को अभिव्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि क्या यह संभव नहीं है कि संसार व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो। कर्म गुण के समान ही सारे आय व्यय का वितरण हो। क्या ऐसा कुछ नहीं जो सभी में सामूहिक जीवन फूक दे। सभी लोग मिलकर एक संसार का निर्माण करें जिसमें सभी लोग मिलकर जीवन का आनंद लें। एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण से मुक्त हो तथा पूरा समाज धन का अधिकार है। जब लोगों की मेहनत लोगों में बढ़ जाए तभी देश की प्रजा सुखी होगी। तो अब अगले स्लाइड में कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि कर्म और गुण के समान वो वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहा है। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ कर्म और गुण के समान ही सारे आय व्यय का वितरण हो। क्योंकि भिन्नता के कारण एक वर्ग शासक तो दूसरा शोषित होता जा रहा है। अमीर बिना परिश्रम के और अमीर तथा निर्धन परिश्रमी होते हुए भी और निर्धन होता जा रहा है। फिर नौवें नंबर का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये कुछ इस प्रकार से कि तट पर बगलों से वृद्धा विधवाएं जब ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतरोदय। तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि इन पंक्तियों के जरिए कवि क्या कहना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि नदी तट पर सफेद वस्त्रों में लिपटी वृद्ध विधवा स्त्रियाँ जब तप करती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो बगलों का दल हो। ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि स्त्रियाँ कुछ इस तरह से ध्यान मग्न है जैसे बगला एकांत चित्त में जल भी खड़ा रहता है। कवि इन पंक्तियों द्वारा विधवा स्त्री कठिन जीवन और दयनीय दशा की ओर टूमों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि इनके अंतर्मन की कर्ण अदृश्य दशा नदी की धीमी धारा में बहती प्रतीत होती है। उसके बाद इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि बगलों से विध्यान में कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। विधवाओं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा जगह जगह तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को भी मिलता है। तो चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क है ताम्रपर्ण पीपल से शक्म झरते चंचल स्वर्णिम निर्जर। इसका मतलब ये है यानी इसका आशय यह है कि पीपल के पत्ते तांबे से प्रतीत हो रहे हैं और जब ये झरते हैं तो मन लगता है कई मुख वाले सुनहरे झरने बह रहे हैं। फिर अगला जो है ख नंबर का जो है प्रश्न हमारा वो ये है कि दीप शिखा सब ज्वलित कलश नग्न उठकर करता नीराज।
मंदिर के ऊपर पर लगा हुआ जो कलश और सूर्य की रोशनी के कारण दीपक के लौ के समान आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है हमारा, वो भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोम खपों की पांति आर्द्र ध्वनि से नीरव लग करती मुखरी, सुनहरी चिड़ियों की पंक्तियां आकाश में उतरी शांत आकाश को तेज चहचहा से सुंदरता प्रदान करते हैं। फिर भाव है मन से कड़ और साध श्रांति आंखों के आगे बुनती जाला, हृदय से निकल के विषाद रूपी धुआं आंखों के सामने जाल बुनती प्रतीत होती है। फिर उसके बाद अगला जो है वो कुछ अंगा नंबर का है, वो ये है कि क्षण ज्योति में चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा। तो ये कुछ इस प्रकार से है कि जो ज्योति है यानी कि जो जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि जो ढिबरी है यानी कि जो एक प्रकार का जो दिया होता है टीन टीन से बना हुआ, उसकी जैसे ज्योति जैसे जैसे क्षीण होती है वो जैसे उसमें एक मन की जो परिभाषा जो कि एक गोपनीयता है उसको मामले उसने एक भाषा दे दी है, जो लाला है उसके मन की गोपनीयता को एक भाषा दे दी है, वो कुछ इस प्रकार से प्रतीत होता है। फिर चाह है बिना आय की क्लांति बंधे उसके जीवन की परिभाषा, तो दीन अवस्था दुख अपमान ग्रामीण तथा लंबे समय तक चलने वाले दुख प्यास बिना किसी आमदनी के चलने वाला जीवन ही मानो उसके जिंदगी की परिभाषा बन गई है। तो अगले स्लाइड में और देखते हैं कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कि जो है कि व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोषी जन के दुख कलेश है, केवल एक व्यक्ति नहीं तो पूरा विश्व दोषी लोगों को दुख और कष्ट होता। फिर हमारा अंतिम प्रश्न वो यह है कि इसमें उपमान किस लिया है वो लिखना है। तो जैसे कि ज्योति स्तंभ सा जो उपमान हुआ है सूर्य के लिए, केचू सा गंगा जल के लिए, दीप शिखा सा कलश के लिए, बबुल से वृद्धाओं के लिए यानी वृद्धाएं के लिए, और जो विधवा स्त्री है यानी कि और विधवा वृद्धाएं हैं उनके लिए, स्वर्ण चूर्ण से यानी वेद और सनन तीर से यानी स्वर। तो ये तो हुआ हमारा आज का वीडियो, और इसी आशा के साथ कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।